पेंटिंग करेंगे फॉर बिगनर्स. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट कलर नहीं बाय करके आप आर्टिस्ट कलर बाय करो कैमलिन के, वो बहुत अच्छे हैं. उसका पिगमेंट भी ज़्यादा है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे अपने पेंटिंग में. सिंथेटिक हेयर के ब्रशेस ऑयल पेंटिंग में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. सॉफ्ट हेयर वाले ब्रशेस चाहिए रहते हैं ऑयल पेंटिंग में. मैंने 140 GSM वाले पेपर लिए और अभी मैं उसको प्राइम करूँगी एक्रेलिक कलर के यूज़ से. अभी इन दोनों कलर को मिक्स करूँगी. वाइट और बर्नट अम्बर दोनों को मिक्स किया मैंने और थोड़ा सा वाटर ऐड किया. अब मैं इसको पेपर पे अप्लाई करूँगी. ये प्राइमर है हमारी पेंटिंग के लिए. अपने इस पेंटिंग में मैंने वाइट चॉक का यूज़ किया है फॉर ड्राइंग और ये मैंने कैमलिन के आर्टिस्ट ऑयल कलर लिए हैं. अभी हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे. ये स्टिल लाइफ ड्राइंग है. देखिए अभी हम ड्राइंग कर लेते हैं. ये लिंसीड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल है. ये दोनों भी 100 rupees के आते हैं. और आपको एक रफ क्लॉथ चाहिए और एक टिश्यू पेपर. ब्रश में जो भी एक्सेस पेंट रहेगा हम उसे रफ क्लॉथ की हेल्प से वाइप ऑफ कर लेंगे. मैंने जो भी कलर यूज़ किए वो आपको एक स्लाइड पे शो हो जाएगा सबका नाम. ऑयल पेंटिंग में फ्लैट ब्रश के यूज़ ज़्यादा होते हैं, राउंड ब्रश के यूज़ इतने नहीं होते, सिर्फ लाइनिंग के लिए काम आते हैं. तो आप फ्लैट ब्रश ही बाय करें. मैंने जो इस पेंटिंग में मीडियम यूज़ किया है वो 70% लिंसीड ऑयल और 30% टर्पेंटाइन ऑयल को एक बॉटल में मिक्स करके रखा है. उसको हम एज अ मीडियम यूज़ करेंगे अपने ऑयल पेंटिंग में. सो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग. We'll be right back.
चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।